ओम मञ्जनानन्दनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुडलक में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज की तरह आपके साथ। देखिए, हम अपने जीवन में कई रास्ते अपनाते हैं, ग्रहों को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कुछ रत्न भी धारण करते हैं। क्या आपको पता है कि रत्न धारण करते वक्त कुछ अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए, जान लेना चाहिए जो रत्न आप धारण कर रहे हैं वो आपके अनुकूल भी है या नहीं, कैसे उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं, कौन कौन सी बातें करके आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और साथ साथ आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन आपके साथ क्या कुछ करने के योग बना रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। कार्तिक का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, अष्टमी तिथि है जो रहेगी 11:59 तक। इसके उपरांत आगमन हो जाएगा, मंगलवार का शुभ योग बन रहा है और साथ साथ पुष्य नक्षत्र आज विद्यमान है और सिद्ध नाम का योग चल रहा है और साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण योग बना हुआ है और चंद्रमा जो है कर्क राशि पर चल रहा है। कर्क राशि उनकी अपनी राशि है, बड़े शुभ योग बना रहे हैं। शुभ मुहूर्त पर बात कर लेते हैं, 11:49 से लेकर 12:34 तक का काल बड़ा शुभ रहेगा। वहीं राहु काल जो है 3:03 से लेकर 4:29 तक रहेगा। देखिए, आज विशेष तौर पर बड़ा सुंदर दिवस है। गोवर्धन में एक स्थान है जिसे कहा जाता है राधा कुंड और वहाँ आज के दिन स्नान करने का बड़ा महत्व है। तुला राशि में जब शुक्र प्रवेश भी आज कर रहे हैं और साथ साथ शुक्र एक बड़ी विचित्र स्थिति में है, दिवाली आने वाली है और साथ साथ शुक्र अस्त चल रहे हैं, कैसे आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ने वाला है ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि राधा जी का जो कुंड निर्माण हुआ था, राधा जी ने अपने कंगन से खोद कर उसको वहाँ कुंड बनाया था और साथ साथ राधा कुंड के पास ही एक और कुंड है जिसे कहा जाता है श्याम कुंड, भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर उसको बनाया था, ऐसा शास्त्रों में कथाएं आती हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने इस यहाँ पर पवित्र नदियों का आवाहन किया था और उन्हीं नदियों के माध्यम से इसमें जल भरा गया था और वही जल जो राधा कुंड में भी स्थापित हो गया था। श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड दोनों कुंड एक से जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन इस राधा कुंड में स्नान कर लेने से क्या होता है, संतान को सुख प्राप्ति के योग बन जाते हैं, संतान के कष्ट हर जाते हैं। गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए अशोक के 12 पत्ते, देसी अशोक का लीजिएगा, एक पंडुला होता है, एक देसी अशोक होता है। पंडुला अशोक के पत्ते इस प्रकार से होते हैं, देसी जो अशोक होता है उसका पत्ते सीधे रहते हैं। जो देसी अशोक हो उसके 12 पत्ते लेकर लाल धागे में पिरोकर एक माला उसकी बना लीजिए और सभी पत्तों को लाल चंदन से ओम लिख लीजिएगा, ओम हंग हनुमतये नमः। इस मंत्र का जप करते हुए संकट मोचक हनुमान जी के चरणों में इस माला को अर्पित कर दीजिए, पत्तों को अर्पित कर दीजिए, देखिए आपके कष्ट हरेंगे हनुमान जी। माँ में करेंगे कल्याण। धनु, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए भविष्यवाणी के अनुसार समझ लीजिए क्या कुछ पढ़ने के योग बनने वाले हैं। धनु, कन्या, मकर, मेष, तुला राशि वालों के लिए इस दौरान विशेष तौर पर जो शुक्र परिवर्तन होकर जा रहे हैं, शुक्र जो परिवर्तन हो रहा है वो खास तौर पर धन प्राप्ति के योग बना रहा है। किन किन राशियों के लिए? धनु, कन्या, मकर, मेष, तुला राशि वालों के लिए ये धन प्राप्ति के योग बना सकता है जो शुक्र का परिवर्तन है, जो मैंने कहा कि अगली राशि में प्रवेश करें लेकिन अस्त स्थिति में, ऐसे में कुछ खास उपाय करके और लाभ ले सकते हैं और विशेष तौर पर आपके संचार कौशल में विशेष तौर पर वृद्धि कर सकता है, वाणी की मधुरता से आपको लाभ दिला सकता है और साथ साथ आप लोगों को प्रभावित करने में सफल रह सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, कर्क राशि और सिंह राशि वालों के लिए खासतौर पर वाणी से लाभ प्राप्ति के मधुरता के योग बना सकते हैं और ऐसे में वाणी से विशेष तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। ये शुक्र का परिवर्तन एक कष्ट भी दे सकता है, छूत की बीमारी जो होती है ना, विशेष तौर पर जो इन्फेक्शन से फैल जाती है, उसके प्रकोप के बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। तो आपको विशेष तौर पर हाइजीन मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ी सी दूरी जो कहा गया था ना कोविड काल के अंदर, थोड़ी सी दूरी रखनी है जरूरी, तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब जान लीजिए मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव रहेगा, आज का दिन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार से आप पे पड़ेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। मेष राशि वालों, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होती दिखाई दे रही है, आपके अपनी वाणी की मधुरता के कारण सम्मान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, इसलिए वाणी की मधुरता को मत त्यागिएगा। आज बिजनेस में जो लोग हैं उनके मन के मुताबिक रिजल्ट थोड़े मिलने में मुश्किल दिखाई दी, थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, उपाय करें, चिंता ना करें, उपाय कर लीजिए, कष्ट दूर होंगे। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9, मैरून रंग आपको लाभ देगा। उपाय क्या करना है, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, बड़ा शुभ योग है, देखिए आपके कष्ट हर लेंगे हनुमान जी।
मांबे करेंगे कल्याण। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि आज आप अपने विरोधियों से संभल के रहिएगा। आज कुछ नया सौदा होता दिखाई दे रहा है, वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आज प्रेम जीवन में जो लोग जी रहे हैं उनको खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। कानून का फैसला जो है आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा और शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीत वर्ण जो है। और महालक्ष्मी को 5 इलायची अर्पित कीजिए, कल्याण करने के योग बनेंगे। हमारे पास लगातार इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप आने शुरू हो गए। रुद्रप्रयाग से साक्षी बनवाल जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि घर में वास्तु दोष खत्म ही नहीं हो रहे हैं, घर में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, कुछ उपाय करके देख रही है बहुत कुछ लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, और हार में अंत में आकर आपके पास हमने मैसेज भेजा है। चिंता ना करें, आपने हमारे पास मैसेज भेजा है, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए घर में यदि नकारात्मकता खत्म नहीं हो रही है तो सबसे पहले आपको अपने पूजा घर को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन व्यवस्था के अनुसार से पूजा के लिए तन मन और स्थान की शुद्धता का बहुत आवश्यकता माना गया है, अन्यथा पूजा का प्रभाव ही नहीं दिखाई देता है जो दिखना चाहिए, जो आप चाह रही हैं आपके जीवन में। अपने घर के दोष को नकारात्मकता बनी रहेगी इस कारण से ही एक उपाय बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। यह उपाय दिवाली से पहले करने का प्रयास करना चाहिए। जिनके घर में भी कष्ट है वो सब कर सकते हैं। जिस स्थान पर आप प्रतिदिन पूजा करती हैं उस स्थान को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी सी मिट्टी में, प्याली में, खासतौर पर धूपदानी में 2 कपूर की, भीमसेनी कपूर की टकिया जला दीजिए और थोड़े हवन की सामग्री उस पर रख दीजिए और वहाँ धुआं उठने दीजिए। थोड़े से चंदन की लकड़ी वहाँ जलाग लगा लीजिए और उस स्थान को विशेष तौर पर पवित्र करने का प्रयास करें। मांबे करेंगी कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कुछ दिखा रहे हैं जान लीजिए। आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन बेहतर रहता दिखाई दे रहा है। कैरियर के हिसाब से कुछ अच्छा सफल विशेष तौर पर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है और विशेष तौर पर आज के आय का ध्यान रखते हुए व्यय करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए रहेगा हल्का हरा। मंदिर में केले का भोग लगाइए, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं। आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को सामाजिक कार्यों में जाने का मौका मिल सकता है। आज परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। आज मित्रों की सलाह विशेष तौर पर लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। घर में कुछ मतभेद हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। वस्त्रों का दान कीजिए, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं मुख्य विषय की। जी हाँ, हमने आज कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि हम सब रत्न धारण करते हैं। बहुत सारे लोग आमतौर पर ज्योतिषी के पास जाते हैं तो बहुत सारे रत्नों के बारे में आपको बता ही देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से रत्न में करिश्माई शक्ति होती है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। रत्न अगर सही समय पर सही नक्षत्र के अनुसार से सही रूप से धारण कर लिया जाए तो इसका सकारात्मक प्रभाव ऐसा होगा कि जिससे आपके कष्ट बिल्कुल दूर हो जाएंगे, अन्यथा रत्न विपरीत प्रभाव भी कई बार दे देते हैं। रत्न धारण करने के कुछ विशेष नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, तो शास्त्रों के अनुसार से रत्न कभी भी किसी माह के कृष्ण पक्ष में धारण नहीं करना चाहिए। रत्न को पहनने के लिए विशेष तौर पर महीना शुक्ल पक्ष का जो शुक्ल पक्ष समय है वही उत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ रत्न पहनने से पहले विधि विधान के साथ उसकी पूजा करके, विशेष तौर पर अभिमंत्रित करके, संकल्प करके, जागृत करके ही धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। किसी भी रत्न को सिर्फ शुभ मुहूर्त में पहन धारणा जाता है और विशेष तौर पर इसी के कारण से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, बल्कि रत्न खरीदते समय भी शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, इस बात को भी समझना चाहिए। बाजार से रत्न लेते समय आमतौर पर इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। किसी योग्य विद्वान से इन सब मापदंडों के अनुसार ही रत्न खरीदने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति से खासतौर पर रत्न धारण करना चाहता है तो ऐसे कोशिश करें, बहुत सारे अनेक उपाय बताए गए हैं। उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि खासतौर पर जो रत्न धारण कर रहे हैं उसका परस्पर जो मित्रु है, शत्रु है, उसके साथ पहने या ना पहने, इस बात का ध्यान रखते हुए पहनने का प्रयास करना चाहिए। यदि रत्न की अनुकूलता को परखना है तो ग्रह संबंधित हिसाब को रेशमी वस्त्र में रत्न को लपेट कर उसकी पूजा करने के बाद अपने बाह में धारण कर लेना चाहिए और जिस प्रकार के सपने आए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रभाव आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। रत्न को पहनने से पहले इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि 4, 9, 14 जो तिथियां हों ये तिथियां शुभ नहीं मानी जाती। ज्योतिष के अनुसार से इन तिथियों में रत्न धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिक्त तिथि मानी जाती है। इसके अलावा ये भी याद रखना चाहिए कि जिस दिन रत्न धारण कर रहे हैं उस दिन गोचर में चंद्रमा विशेष तौर पर 4, 8, 12 आपकी राशियों में ना हो आपकी राशि के अनुसार से, तो ये विशेष तौर पर इसके साथ साथ अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति के दिन भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। रत्न हमेशा दोपहर से पहले सूर्योदय की ओर मुख करके ही धारण करना चाहिए, ये एक बेसिक नियम है। इसको पालन करने से कल्याण के लिए नवग्रहों के लिए अलग अलग रत्न है।
नवग्रहों के लिए अलग रत्न पहने जाते हैं। इनमें सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, गुरु के लिए पुखराज, बुध के लिए पन्ना, शनि के लिए नीलम, शुक्र के लिए हीरा, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया ये प्रमुख है। इसके अलावा कई उपरत्न भी होते हैं, उन सब का प्रभाव और इनके लिए विशेष तौर पर समझते हुए आपको धारण करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, रत्न आपने धारण कर लिया, दवाई आपने लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसका एक समय भी है, कब तक लोगे, कब बदलना चाहिए, कब उतार देना चाहिए। मोती और मूंगे को छोड़कर बाकी सब रत्न विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कभी पुराने नहीं होते, लेकिन आपने ग्रहों के उपचार के लिए पहना है तो आमतौर पर उसके लिए ज्योतिषी परामर्श के अनुसार से आपको उनको बदलने का प्रयास करना चाहिए। माह में करेंगे कल्याण, सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन अच्छा रहेगा, उम्मीदों से भरा रहेगा। आज परिवार के साथ किसी आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है और आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी आपको प्राप्त हो सकती है। आज किसी को धन उधार दिया तो इस बात को समझ लीजिए वापस लेने के लिए आपको झगड़ा ही करना पड़ेगा, संभावना कम दिखाई देती है कि वापस आ पाएगा, इसलिए आज ना ही दें किसी को धन उधार तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। माह में करेंगे कल्याण, कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपको सचेत रहते हुए काम करने की जरूरत है। आपके विचारों में परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। व्यापारों में आंशिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज विचारों के बीच में कुछ मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए लोगों से बातचीत करते हुए थोड़ा सावधान रहें। ऐसा ना हो कि आप यही चाहें कि आपके बात हर बार मानी जाए, हो सकता है आपका कुछ विरोध भी हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें, आपके कष्ट दूर होंगे। माह में करेंगे कल्याण, ग्रहों को अनुकूल बनाना बहुत जरूरी है और अनुकूल विशेष तौर पे रत्नों के माध्यम से हो सकता है कि ग्रहों के अनुकूल रत्न भी हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रत्न केवल उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जिनके जीवन में कुछ खासतौर पे समस्याएं चल रही हो। आप समस्याएं यदि छोटी है, प्रयास में थोड़ी कमी है, तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने का प्रयास करना, छोटी छोटी बातों में जाकर आप रत्न धारण कर लें। आभूषण और रत्न में फर्क होता है, इस बात को, आभूषण आप कभी भी धारण कर सकते हैं लेकिन रत्न को सिद्ध करके ही धारण करें। जिस अंगूठी में रत्न हो वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें रत्न त्वचा से छुए। अंगूठी ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप काम करने का प्रयास करना चाहिए। रत्न धारण करने से पहले हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति, किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर ही, परामर्श लेकर ही काम करने का प्रयास करना चाहिए। रत्न लेने से पहले भी उसको अच्छे से जांच लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। रत्न धारण करने से पहले हमेशा इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए कि रत्न किसी खास तौर पर चमत्कार की उम्मीद विशेष तौर पर नहीं करनी चाहिए। हम तो साधारण उपाय के तौर पर धारण करें तो धीरे धीरे देखिएगा समय परिवर्तन का योग बनेगा। रत्न को बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दूध में डालकर उपाय करना चाहिए, लेकिन कितने लंबे समय तक दूध में डाल के रखें? कुछ समय के लिए रत्न को दूध में डाल के रखें, कई लोग रात भर रत्न को दूध में डाल के छोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, दूध उसके अंदर समाहित हो जाएगा और रत्न के अंदर कई विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से रत्न धारण करते वक्त व्यक्ति की मुख्य दिशा वो सही होना बहुत आवश्यक है, इसलिए रत्न को धारण करने को दोपहर से पहले धारण करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख रत्न धारण करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। माह में करेंगे कल्याण, तुला राशि वालों के लिए आज के दिन ग्रह नक्षत्र क्या कुछ दिखा रहे हैं जान लीजिए। आज का दिन थोड़ा उथल पुथल लेकर आता दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगियों को विशेष तौर पर सहयोगी से आपको लाभ हो सकता है और कोई ऐसी डील फाइनल हो सकती है जिसके लिए बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का योग बनेगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। हनुमान जी के मंदिर में जाके चमेली के तेल का दीपक जलाएं, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माह में करेंगे कल्याण, वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज रुका हुआ धन प्राप्त करने की से आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। आज सलाह मशवरा करके व्यापार में लेन देन करने से आप समस्याओं को सुलझा सकते हैं, ऐसा योग बन सकता है, इसलिए गणे योग्य व्यक्ति की सलाह लेते हुए काम करें। आज नौकरी पेशा जातक जो है थोड़े से परेशान रहते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने लोगों से विश्वासघात मिल सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अति विश्वास करना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरी रहेगा। एक काम करें, हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत ही शुभ योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज नई डील को फाइनल करने से के बारे में जो सोच रहे हैं वो आगे जाकर टल सकती है। आज ऐसा योग बन रहा है कि टलने के योग बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। विवादों में आज फैसला आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। लाल वस्त्र ना धारण करें, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा कष्ट हो सकता है। माह में करेंगे कल्याण, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है उत्तम रहेगा। आज आपके घर में सफाई का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ सकता है, आप वो काम कर सकते हैं। साथ साथ आप धन के ऊपर ध्यान रखें, अन्यथा ज्यादा व्यय होने के योग दिखाई देते हैं।
आज किसी पुराने मित्र से मिलकर प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। शुभ अंग आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला। बजरंग बली जी की पूजा करें, सब शुभ होगा। मांबे करेंगे कल्याण, हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की हमारे पास जो आ गया है हजारीबाग से सत्येंद्र सिंह का, और उन्होंने लिखा है कि सिर के पिछले हिस्से में थोड़े दर्द होने के योग बनते हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए कई बार क्या होता है, काम का दबाव अत्यधिक होता है, सोना विशेष तौर पर कम हो जाता है, और ऐसे में चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण सिर के पिछले हिस्से में भी कुछ परेशानी होने के योग बन जाते हैं। और तो और हमारा जीवन लाइफस्टाइल किस प्रकार का हो गया कि 24 घंटे मोबाइल में देखते रहते हैं, तो ऐसे में सर्वाइकल के कारण भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक विशेष मुद्रा हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से योग की मुद्रा है, बहुत लाभ दे सकती है। आप करें उष्ट्रासन। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आपको करके दिखा रहे हैं, वज्रासन में बैठ जाएं, उसके बाद घुटनों के बल पर खड़े होकर अपने शरीर को पीछे की तरफ झुका दें, ऊंट के समान आपकी जो पीठ होती है वैसा शरीर बन जाएगा, आपके सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेन स्ट्रेस डालकर ये बहुत जल्दी से वहाँ की होने वाली समस्याओं को ठीक कर सकता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं ऐप के माध्यम से आपको सुंदर तरीके से आसन करना भी सिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर सौभाग्य है। मांबे करेंगे कल्याण, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन सामान्य रहता दिखाई दे रहा है, अपने खासतौर पर मुलाकातों को किसी पुराने परिचित से होने के योग दिखाई देते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है किसी पुराने परिचित से। आज किसी परिवार के सदस्य का कठोर व्यवहार आपको थोड़ा दुखी कर सकता है। नए कार्यों को लेकर सलाह मशवरा अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण, मीन राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आज आपकी वाणी आपको सम्मान दिला सकती है, इसलिए मीठा मीठा बोलिएगा, बहुत सावधानी के साथ बोलिएगा। किसी मांगलिक कार्यों में खासतौर पर व्यस्तताएं आपकी बनी रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया दिखाई देता है। आज किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं, समस्त कष्ट हनुमान जी आपके हारेंगे। मांबे करेंगे कल्याण, हेल्दी टिप्स में हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी परेशानी की जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। कई बार आपने सुना होगा कि तलवों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कैसे आपको तुरंत आराम मिल सकता है, उसके लिए कुछ खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपको तुरंत आराम मिले, ऐसी हेल्दी टिप्स घर में कारगर सुंदर तरीकों से हम आपको बता रहे हैं। एक काम करें, सबसे पहले स्टिमुलेशन करने का प्रयास करें। आप एक काम करें, 2 बाल्टी रखें, उसमें 1 में गर्म 1 में ठंडा पानी, और 15 मिनट ठंडे में रखें और 5 मिनट गर्म पानी में रखें, थोड़ी थोड़ी देर परिवर्तन करते चले जाएं, देखिएगा बहुत जल्दी स्टिमुलेशन होगा, आपको लाभ मिल सकता है। सेब का सिरका लेकर थोड़ा पैरों की मालिश कर लें, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। पिपरमेंट ऑयल मिल जाएगा, उनके द्वारा तलबों में मालिश करने से भी समस्या का निदान हो सकता है। और आजकल मौसम परिवर्तित हो रहा है, और ऐसे में क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह ओस पड़ी होगी ग्राउंड के अंदर, उस पर थोड़ा चल लीजिए, पानी का सेवन बढ़ा दीजिए, पानी कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीजिए, देखिए आपकी समस्या ठीक होगी। और साथ साथ नीलगिरी के तेल से पैरों की मालिश कर लीजिए, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से लाभ मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि नर्व का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो एक काम करें, दीवारों से पैर लगाकर थोड़ा सोइए और दीवार पर स्ट्रेन डालिए, उस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। तो इस प्रकार से छोटी छोटी हेल्दी टिप अपनाकर आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे इस समय पर इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे रामधूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।